हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्माजी एजुकेटर। तो आज जो है आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री के चैप्टर डी ब्लॉक का, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक जो है आपका इनऑर्गेनिक का डी एंड एफ ब्लॉक, उसका नोट्स आपको मिलेगा। तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, या तो आप कमेंट बॉक्स से डाउनलोड करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करो। दोनों जगह पे लिंक दिया हुआ है। कैसे लिंक दिया हुआ है ध्यान देना, हिंदी मीडियम वालों का कैसे है, हिंदी मीडियम डी एंड एफ ब्लॉक नोट्स वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस नोट्स पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करो, नोट्स आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद किसी के व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, वहाँ पे जो है आपका स्टोर रहेगा और अच्छे तरीके से वहाँ से पढ़ पाओगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों का कैसे दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम डी एंड एफ ब्लॉक बगल में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो और अच्छे तरीके से याद कर लो, अच्छे नोट्स है। और आप लोग एक बात ध्यान देना कि नोट्स में राइटिंग थोड़े गड़बड़ है, लेकिन आपको समझ में आएंगे। हिंदी मीडियम का नोट्स जो है आपको डेट वहाँ पे 2015 या फिर 2016 दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो है जिनका वो नोट्स है अच्छे तरीके से नोट्स उनका लिखा हुआ था। और आप एक बात ध्यान में रख लो कि नोट्स और किताबें आपके कभी नहीं बदलती हैं, चाहे आप कभी भी पढ़ो, ठीक है। आपके टीचर्स 10 साल 15 साल पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आज वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नोट्स पुराना नहीं होता है। 2015 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझना कि 2015 का नोट्स है तो इस बार नहीं आएगा वहाँ से। सेम नोट्स 2020 में भी, 2021 में भी या फिर फ्यूचर में भी रहेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम के पिछले साल के नोट्स है, पिछले साल के मतलब कि 2019 में हमने एग्जाम दिया था, उससे पहले 2018 में लिखा गया था, ठीक है। तो जाओ डाउनलोड करो और अच्छे तरीके से याद करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।